एक्स 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 एच डी मूवीज खटाक से आया, उंगली से ढूंढने का कौन सा अच्छा है? ये वाला अच्छा, इस पे टाइप की आप देख रहा है। जब उसके माता पिता सो जाते हैं तब रात में देखता है, गुप्त में देखता है कि कोई उसे देख न लगे, मगर वह भूल चुका हुआ मसीह की परमेश्वर की आंखें मनुष्यों के चाल चलन पर लगी रहती हैं। जैसा मैं पढ़ देना चाहता हूँ, लिखा हुआ है, क्योंकि ईश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह भले बुरे दोनों को देखती रहती हैं। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले छिप सकें। इस वचन से पढ़ने के बाद आपकी आंखें 100% खुल जानी चाहिए, क्योंकि जो आप पाप करते हो, गंदी फिल्में देखते हो, परमेश्वर की आंखें आपको आपको देखती रहती हैं, नित्य देखती रहती हैं, चाहे धर्मी चाहे अधर्मी हो, सबको देखती रहती हैं। ऐसा अंधेरा या घोर अंधकार कहीं नहीं है कोई मनुष्य अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला छिप सके। एक विश्वासी एक पाप करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, सुनेगा मगर उत्तर नहीं देगा, क्योंकि पाप परमेश्वर से अलग करता है। पाप परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जब शैतान ने पाप किया था तो परमेश्वर ने शैतान को और उसकी सारी सेना को नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया था, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहता था। मगर आज मन सच्चाई को अनदेखा कर रहे हैं, विश्वास तो करते हैं मगर सांसारिक जीवन बिताते हैं, पाप करते हैं, वही गंदी फिल्में, वही फोटो वीडियोज, पोर्नोग्राफी, उसी में आज मसीह जूझ रहे हैं। मगर ऐसे लोगों को परमेश्वर जिंदा जलाएगा इसी पृथ्वी पर। पहले तो परमेश्वर मसीह विरोधी के दिन में सूरज की किरणों को इतना हार्ड कर देगा कि मनुष्यों की चमड़ियाँ जिंदा झुलस जाएंगी, उनकी खालियाँ सिकुड़ जाएंगी। मौत मांगोगे, मौत नहीं मिलेगी मसीह विरोधी के दिन में। अभी मौका है, संभल जाओ और यीशु मसीह के पास लौटाओ। पश्चाताप करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, आंसू बहाते हुए यीशु के पास लौटाओ, आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि वह किसी को जबरदस्ती नर्क में डालना नहीं चाहता है। वह यह चाहता है कि कोई बेटा, मेरा बेटा बेटियां नर्क न जाए, सबको मन फिराने का अवसर दिया जाए और सब विश्वास रखे उद्धार पाएं और स्वर्ग जाएं। मगर आज मसीह कहां मन फिराने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, शैतान की आवाज़ सुन रहे हैं। शैतान की आवाज़ सुनोगे तो आपको सीधा शैतान नर्क में ही लेकर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान का न्याय पहले ही से कर दिया था, क्योंकि वह तो उस नर्क में जाएगा और साथ में तुमको भी ले जाएगा। वह उसमें अकेला नहीं जाना चाहता है, क्योंकि सारा का सारा संसार आज उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, इसे परमेश्वर ने उसे अपने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था। नाटकबाजी बंद करिए और सीधा लाइन पर आ जाइए। एक विश्वासी अगर लगातार पाप करता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, क्योंकि पाप मेरे प्रियों परमेश्वर से अलग करता है। पाप और पवित्र आत्मा आपके अंदर दोनों नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पाप करते हो तो पवित्र जो परमेश्वर का आपका आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है ना, उसको शोकित मत करो मेरे प्रियों, क्योंकि जब आप पाप करते हो परमेश्वर का सिर लज्जित हो जाता है। पाप मत करो, पाप मत करो, क्योंकि पाप परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक पापी से प्रेम करता है मगर पाप से वह बहुत ही नफरत करता है, पाप से वह बहुत ही दूर रहता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं हमें परमेश्वर करोड़ों साल का जीवन दे देगा, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको गंदी लतें छोड़नी पड़ेंगी, पश्चाताप करना पड़ेगा, अशुभ आते हुए गिड़गिड़ाते हुए यीशु से माफ़ी मांग लीजिए। अभी आपके पास मौका नहीं, यही हस्ती एक दिन आपको डुबा कर रख देगी। यीशु ने इसलिए अपना लहू नहीं बहाया कि तुम रात में जाके सेक्स वीडियो देखो, उसके लहू की कदर करो मेरे प्रियों। अभी दो कोड़े पड़ जाएंगे, सारी आंखें बाहर आ जाएंगी, उसके लहू की कदर करो मेरे प्रियों। उसने अपने हाथों में कीले ठुकवाए हैं, उसको दर्द हो रहा था मेरे प्रियों, उसके दर्द को महसूस करो मेरे भाई, महसूस करो, क्योंकि जो आपके शरीर में जो गर्मी भरी है ना, जो परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा श्वेत सिंहासन के सामने, जब परमेश्वर न्याय करेगा, ठीक है, और जिस किसी का नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ ना मिलेगा तो उसे स्वर्ग दूत घसीट कर नर्क में फेंक देंगे, जहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति नर्क में जाए, कीड़े नहीं मरेंगे और आग कभी नहीं बुझेगी, आग भी जलाएगी और कीड़े भी काटेंगे, जो आपके शरीर में जो गर्मी भरी है ना वो उसी में निकल जाएगी। इतना हाहाकार मचा होगा उस समय, इतनी आत्माएं उसमें तड़पती होंगी, उस धनवान की तरह एक बूंद पानी के लिए आपकी जीभ बैठेगी, सिकुड़ जाएगी। नाटकबाजी बंद करिए और सीधा लाइन पर आ जाइए। देखिए आप लोग जिस प्रकार अपने मोबाइल में गुप्त रीति से दूसरों का नंगापन देखते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर आपको मसीह विरोधी के दिन में आपको आग में नंगा ही डालेगा, तब आपके दिमाग की सारी गर्मी निकल जाएगी। अरे परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए, उसने अपने पापों के लिए उसने अपना कीमती रक्त बहाया, रे कब सुधरोगे भाई, अभी आपके पास मौका है। यीशु आज और अभी आ जाए तो आपके अंदर ऐसा कुछ है जो यीशु के साथ स्वर्ग जा पाओगे? अरे परमेश्वर आप जान निकाल लेगा उस अनंत काल की आग में। अभी तो बहुत मजा आ रहा है सेक्स वीडियो देखने में और लड़कियों को पटाने में, क्योंकि परमेश्वर सबको देखता रहता है,
आप चाहे जहाँ छिपकर पाप करो। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय के 21 और 22 वचन में लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। क्योंकि ईश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। इस वचन को पढ़ने के बाद आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सबको देखता रहता है। चाहे जहाँ छिपकर पाप करो, परमेश्वर सबको देखता है। इसलिए तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। पौलुस ने अपनी पत्र में साफ कहा था, मेरे प्रियो, कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुषमाचार की तैयारी के जूते पहनकर उन सब के साथ स्थिर रह सको, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको। इसलिए तुम उस दुष्ट की जलती हुई तीरों को बुझा सको वचन से, और उद्धार काटो पर आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, उस दुष्ट का सामना कर सको। मगर आज मेरे मसीह भाई बहन वचन तो पढ़ते नहीं है, क्योंकि वचन तो उन्हें मालूम होता ही नहीं है, क्योंकि वह बाइबल तो पढ़ते नहीं है। सुबह शाम अपने मोबाइल में अपनी गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से हेलो बाय नमस्ते करते रहते हैं। क्योंकि जब एक मसीही यीशु मसीह के वचन पर चलने लगता है तो शैतान हर एक मसीही के पास जाता है पाप में गिराने के लिए, और वह मसीही बड़े आराम से पाप में गिर जाता है और स्वामी का सिर लज्जित कर देते हैं और शैतान को बड़ा अच्छा लग रहा है। इसलिए तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, शैतान को वचन से हरा सको। जब शैतान यीशु की परीक्षा लेने आया तो यीशु ने शैतान को वचन से ही हराया था। जब शैतान यीशु की परीक्षा लेने आया तो शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाएं। तब यीशु ने शैतान को वचन से ही हराया था कि लिखा है कि हर एक मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो से उसके मुख से निकलता है। यीशु ने शैतान से कोई लड़ाई नहीं की बल्कि उसे वचन से ही हराया। मगर आज मसीहियों के पास शैतान जब पाप में गिराने के लिए जाता है, वीडियो को ध्यान से देखें मेरे प्रियो, तो तुम शैतान से यह नहीं कह पाओगे कि यह लिखा है, वो लिखा है या वो लिखा है, अब और बड़े आराम से पाप कर दोगे। इसलिए तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो मेरे भाइयों और बहनों, कि तुम शैतान को बड़े आराम से वचन से हरा सको। मरकुस 9 अध्याय के 43 वचन में लिखा हुआ है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। डुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच में उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता है और न आग बुझती है। और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आँख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता है और आग नहीं बुझती है। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। परमेश्वर का वचन एक जैसा है सबके लिए, चाहे वह मसीह पर विश्वास करता हो चाहे वह अन्य जाति है। वचन एक सा है और एक सभी के लिए एक जैसा है। गलातियों 5 अध्याय के 19 वचन में लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वह भी चार गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोड़ना, बैर, झगड़ा, इसरा, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ कि जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पौलुस यहाँ अपनी पत्र में साफ कह रहा है कि ऐसे ऐसे घिनौने काम करने वाले मनुष्य परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, उसी नरक की झील में डाले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। सुधर जाओ मेरे मसीह भाइयों और बहनों, बचा लो अपने आप को अंदर के जाने से उस अनंत काल की आग से। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। संदेश को समझने के लिए आप सभी को जय मसीह की।
जो भाई बहन हमारे साथ में प्रभु यीशु का समाचार फैलाना चाहते हैं, वो हमारी मिनिस्ट्री की बिल्कुल फ्री में मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए वो हमारी इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे वीडियो शेयर करने का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपकी हर एक समय सहायता करे।